वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, और आप देख रहे हो मेरा चैनल एके लाइफस्टाइल वीडियोस, और मैं हूं अमन। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ यूट्यूब के टिप्स के बारे में। आपको यूट्यूब के कुछ टिप्स दूंगा कि आपको वीडियो वगैरह कैसे रिकॉर्ड करना है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि यार हम शूट कैसे करें वीडियोज़, या मैं कैसे शूट करता हूँ वीडियोज़। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार हमारे पास सॉफ्टवेयर्स नहीं है, हमको एडिटिंग नहीं आती है बेसिक, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है लाइटिंग वगैरह का। बहुत सारे लोगों को इशू आता है कि वो बोलते हैं कि लाइटिंग्स वगैरह हमारे पास नहीं है प्रॉपर, कैमरा गेयर नहीं है, इतना लोगों का ये क्वेश्चन आता है। सो मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करूंगा आज के बारे में। मैं आपको फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा और पूरी चीज़ें बताऊंगा कि आपको किस तरह से वीडियो शूट करना है, या बेसिकली अपने वीडियो किस हिसाब से एडिट करते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स डालने की चाहिए, क्या क्या चीज़ें करते हैं जिससे यूट्यूब पे वीडियो आपका ट्रेंड में जाए या इवन उस पर अच्छे व्यूज़ आएँ। सो अगर मैं सबसे पहले एक बात करूँ तो देखो, आपके पास जो पॉकेट में आपका फ़ोन है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई DSLR हो, कोई महंगा सा एक्सपेंसिव कैमरा हो, क्योंकि देखो यार ये जो हमारी डिमांड रहती है कभी पूरी होती नहीं है। हम इवन 1.5-2 लाख का भी DSLR लेना, फिर भी हमको आज से 1 साल बाद उसको यूज़ करने के बाद लगेगा कि यार हम इससे बड़ा कैमरा ले, मे भी 6 लाख का ले, 5 लाख का ले, कैनन 1DX ले मे भी। बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है। बहुत से लोग हैं, आपने देखा होगा MKBHD वगैरह बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो इवन रेड कैमरा से शूट करते हैं, आपको ऑलमोस्ट 60-70 लाख का वो कैमरा आता है। सो वो डिमांड तो हम कभी उसको सेटिस्फाई कर नहीं सकते। सो बेसिकली हमको करना क्या है, अगर आप जस्ट एक न्यूबी हो और अगर आपने एकदम फ्रेशर हो, या बेसिकली आपने अभी यूट्यूबिंग आपका शुरू किया है, तो आपको कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव ऐसे कैमरा गेयर्स वगैरह लेने की कोई नीड नहीं है। आपको स्टार्ट कैसे करना है, बेसिकली आपके जेब में जो फ़ोन पड़ा होगा बस आप वो निकालिए, एक उसको बेसिक सा एक 200-300 का ट्राइपॉड आता है हार्डली, वो आपको फ्लिपकार्ट या कोई भी साइट पर ऐसे ईजिली मिल जाएगा, आप उस पर रखो और सिंपल शूट करना शुरू करो। तो अब इसमें मैं आपको दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। जब आप वीडियो शूट करना शुरू करते हो तो आजकल ऑलमोस्ट हर ही कैमरा, जो भी फ़ोन्स में कैमरा वगैरह आते हैं उसमें बेसिक एक 1080p वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, फुल HD वीडियो रिकॉर्ड हो ही जाता है, या इवन अगर फुल HD भी नहीं होता है तो बेसिक सा एक 720p जिसको बोलते हैं वो वाला HD रिकॉर्ड भी होता है। सो फुल HD अगर नहीं भी होता तो चलेगा, अगर आप HD में भी करते हो वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका कंटेंट। सो बेसिक अगर आपके माइंड में एक आइडिया रहे अगर कंटेंट से रिलेटेड, तो आप कंटेंट आपका एक बुक पे लिख के रखो, अगर आप कहीं पे ऐसे नोट डाउन करके रखो पॉइंट्स आपको क्या क्या डिस्कस करने हैं। सो अगर आपको कोई चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज है, आप उसके एक पॉइंट्स बनाओ बुक पे लिखकर, आपको किस पॉइंट्स पे बात करनी है, क्या बात करनी है। बेसिक क्या कर रहे हो आप, यूट्यूबिंग करती है या इवन टेक वीडियोज़ बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज लोगों से शेयर कर रहे हो और उसका मीडियम होता है यूट्यूब। सो एक बेसिक सी बात बताओ अगर मैं आपको, अगर आपके कॉन्टेंट में दम है ना यार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वीडियो ट्रेंड में आएगा, लोग उसको देखेंगे। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप अपने वीडियो की पब्लिसिटी कैसे कर रहे हो, उसमें डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हो, टाइटल क्या देते हो, टैग्स क्या लगाते हो, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो अगर मैं आपको सीधी सीधी से एक बात करूँ आपको शूट कैसे करना है, तो आप शूट करने के लिए सबसे पहले अपना कैमरा निकालो, जो भी आपके पास स्मार्टफोन होगा, इवन अगर आपके पास कोई DSLR होगा तो बहुत अच्छी बात है। आजकल फ़ोन कैमरा से भी बताया मैंने आपको, जैसे काफ़ी अच्छे वीडियोस होते हैं। आपको अगर व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो आप सीधे सीधा वो ट्राइपॉड को लेके जगह जगह पे घूम सकते हो, उसमें एक इवन माइक नहीं भी लगाते हो तो आजकल इंटरनल माइक्रोफोन्स भी फ़ोन्स के डिसेंट रहते हैं। सो उसमें ये एक पॉइंट हो गया कि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आएगा, बट चलता है यार व्लॉगिंग में तो उतना चलता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप महंगे महंगे सेटअप्स पर लगाओ, एक स्टूडियो बनाओ अपना, ये सब ये चीज़ों की नीड नहीं है। वो तब होता है कि अगर आपका व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छा आ रहा है, सब्सक्राइबर बेस बहुत बढ़ गया है, तो आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो उसी पैसों से जो आपको ये सब वीडियोस बना के मिलता है, तो वो एक अलग चीज़ होगी। बट अगर आप उसमें स्टार्टिंग में इतना इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आपको उससे आउटपुट अच्छा नहीं लगा तो यार इसमें कोई पॉइंट नहीं बनता। तो बेसिकली होता क्या है, हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं जैसे टेक गुरुजी वगैरह और बहुत सारे जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं, ये लोग अपने स्टूडियोज़ में महंगे महंगे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वगैरह। बट आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये भी इन्होंने भी कभी जीरो से स्टार्ट किया था, इन्होंने भी कभी एक बेसिक फ़ोन से वीडियो शूट किया था एक स्टार्टिंग में, इन लोगों को बहुत टाइम लगा है इस पॉइंट पे आने में। तो आपको ये गलती करनी करनी है कि आप सबसे पहले इतने सारे इक्विपमेंट्स शूट करना डायरेक्ट लेना शुरू कर दो और ये सब के यूज़ से शूट करना शुरू करो। मैटर आपका कंटेंट करेगा या आप चीज़ों को किस हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन। सो अगर आप प्रेजेंट किस तरह से अपना वीडियो कर रहे हो, आपको अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है, या तो बहुत सारे लोगों में तो नेचुरली वो स्किल रहता है, ठीक है चलो हमने सपोज़ कि आपने, अगर आपको लगता है कि आपने वो नेचुरली वो स्किल नहीं है तो आप डेवलप करो। अब आप पूछोगे कि डेवलप कैसे करेंगे, सो डेवलप करने के लिए बेसिकली आप कुछ नहीं, आप जब भी आपको टाइम मिलता है, आप ऑफिस से आते हो, कॉलेज से आते हो, जब भी जहाँ से भी बाहर से कभी आपके पास फ्री टाइम रहता है, संडे सैटरडे, आप जाइए बेसिकली मिरर के सामने और खुद प्रैक्टिस कीजिए बोलने की। आप खुद से बात कीजिए, आप खुद ही ऑडियंस हो ये सपोज करो, और आप खुद ही वो स्पीकर हो, तो आपको आप जब बोल रहे हो तो आपको मिरर के सामने एक आइडिया आ जाता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, बोलने में कितना फंबल कर रहे हो, किस चीज़ों में आपको और काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया बन जाता है कि आपको वीडियो किस हिसाब से शूट करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब आप इस तरह से अपने वीडियो को प्रेजेंट करते हो
तो ऑडियंस को भी वो वीडियो पसंद आता है, और ऑब्वियसली आप खुद कंटेंट क्रिएटर हो, आप भी अपने उसमें और मिस्टेक्स निकाल सकते हो और अगले वीडियो में उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। सेकेंड, अब मैं बात करूँ तो आप एडिटिंग कैसे करते हो, तो देखो यार वीडियो एडिटिंग के ना बहुत से पेड सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, जैसे प्रीमियर प्रो हो गया, अगर iOS आप iPad वगैरह ये डिवाइसेस में यूज़ करते हो, iPhones में तो LumaFusion आता है, वो भी ऑलमोस्ट पेड है, एक सॉफ्टवेयर 2200 रुपये के आसपास आता है। बट आपको ये सब करने की कोई नीड नहीं है, अभी बहुत से ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, लगे तो मैं आपको इस पर पूरा वीडियो बनाऊंगा, आपको ट्यूटोरियल पूरा समझाऊंगा कि वीडियो एक फ्री सॉफ्टवेयर में या मोबाइल के थ्रू ही कैसे एडिट करते हैं। सो आपको सबसे पहला स्टेप करना ये है कि आप मोबाइल में शूट कर रहे हो, कुछ ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स नहीं ले रहे हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगता है कुछ लेना ही चाहिए तो आप साउंड क्वालिटी पे इन्वेस्ट करो। साउंड क्वालिटी पे इन्वेस्ट इन द सेंस आप एक बोया का मे बी B1M1 माइक आता है, वो 700-800 रुपये के आसपास आता है, कई बार सेल में 650-680 का भी मिल जाता है कई बार सेल में, तो आप वो ले सकते हो और उसको अपने फ़ोन से डायरेक्टली कनेक्ट करो। अब फ़ोन का जो आपका नॉर्मल कैमरा रहता है वो कभी कभी काम नहीं करता है, वो इंटरनल माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड करता है वो। सो अगर आपको एक्सटर्नली ये जो माइक्रोफोन रहता है ये लगाना है तो आपको एक ओपन कैमरा करके एक ऐप आता है वो लगा लो, उसमें आप सेटिंग में, मैं आपको लगे तो उस पर एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा कैसे करना है, उससे आप डायरेक्टली आपके इंटरनल माइक के अलावा आप ये जो एक्सटर्नल माइक रहता है इसके थ्रू शूट कर सकते हो। अब साउंड क्वालिटी इसलिए मैटर करती है, इवन तो आपका वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा अगर सपोज कर लो नहीं है, या इवन वो आपने बहुत एकदम मे बी सपोज कर लो आप 480p में ही बनाया है, इवन 720p भी नहीं जा रहा है आपका वीडियो, तो मैटर क्या करता है आपका साउंड क्वालिटी। यूट्यूब ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है यूट्यूब पे, बट ऐसा एक बोला जाता है कि यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है जिसमें अगर आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी हो, बेसिकली आपका साउंड क्वालिटी अच्छी हो, अब ध्यान दीजिए मेरे वर्ड्स पे, साउंड क्वालिटी अगर अच्छी हो आपकी तो आपका वीडियो मे बी ज़्यादा व्यूज़ जनरेट करे या ज़्यादा व्यूज़ लाए और आपका वीडियो कहीं ना कहीं रैंक कर जाए। अब रैंक करना एक साउंड क्वालिटी तो एक इंपॉर्टेंट रहता है, उसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट रहती है कि आप अपने वीडियो का टाइटल कैसे देते हो। टाइटल आपको थोड़ा सा उस पर रिसर्च करना पड़ता है, आप यूट्यूब पे ही जाके अपने वीडियो से रिलेटेड और वीडियोस देखो और ध्यान से देखना उनका टॉपिक, और उससे ही रिलेटेड वैसे ही कुछ तो भी एक आप टाइटल दे सकते हो जो कि ट्रेंड में जाएगा, बिकॉज आज से पहले भी जो यूट्यूबर्स ने वो वीडियो बनाया होगा उनका भी ट्रेंड में गया है। सो चांस हो सकता है कि आपका वीडियो भी ट्रेंड में जाए या कहीं लिस्ट हो जाए सर्च, जब आप कोई बंदा सर्च करता है तो मे बी उसको आपका वीडियो भी देखने को मिले। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो आप टैग्स में अपना टैग्स वगैरह अच्छे से आप सर्च करके डालिए कि कौन से कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं आपको। आपकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बड़ा रहना चाहिए, ताकि डिस्क्रिप्शन बड़ा होने की वजह से होता है उसमें जो कीवर्ड्स आप यूज़ करते हो तो बेसिकली वही सर्च, जब कोई बंदा सर्च करता है तो आपके कीवर्ड से भी मे बी पॉसिबिलिटी है यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको आपके वीडियो पर लाके छोड़े या उसको सर्च रिजल्ट में आपका वीडियो लिस्ट करता हुआ दिखे दे। एडिटिंग की अगर मैं बात करूँ तो इतना कुछ बड़ी एडिटिंग इशू है नहीं, आप इतनी कोई फैंसी सी एडिटिंग मत करो, उसमें बहुत सारे ट्रांजिशंस दे रहे हो ये दे रहे हो, ये स्टार्टिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्टार्टिंग में इतना देने की कोई नीड नहीं है। एडिटिंग में क्रॉप करना आना चाहिए, क्रॉप या फिर इवन वीडियोस को जॉइन करना, वीडियोस को कट करना, कहाँ से कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा हो जाता है उसको कट करना सीखिए, ये बहुत सिंपल प्रोसीजर रहता है, इवन कोई बच्चा भी कर सकता है, इतना सिंपल रहता है। अगर चाहिए तो मैं इस पर ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा। तो अगर मैं नेक्स्ट इसकी बात करूँ, आप एडिटिंग के बाद जब उसको अपलोड करते हो तो अपलोड के टाइम मैंने आपको बताया जैसे आप टैग्स वगैरह यूज़ करो, आप डिस्क्रिप्शन यूज़ करो, आप टाइटल अच्छे दो, और सबसे लास्ट बात आती है वो है आपका थंबनेल। सो आपका थंबनेल कुछ ऐसा एक इंप्रेसिव सा रहना चाहिए कि आपका कोई बंदा अगर आपका देख रहा है वीडियो या उसको लिस्ट में आपका सर्च इंजन में दिखता है जब आप वो सर्च करता है बेसिकली अगर यूट्यूब पे, तो उसको अगर आपका वीडियो दिखता है तो थंबनेल आपका कुछ ऐसा इंप्रेसिव और ऐसा अट्रैक्टिव सा रहना चाहिए कि वो उस थंबनेल पे ऑटोमेटिकली क्लिक करे। तो उसके लिए आपको बेसिकली करना क्या है, आप बहुत सारे ऐप्स आते हैं थंबनेल बना सकते हो, आप खुद को थंबनेल में डालिए बिल्कुल, अगर आपको डालना है, आप व्लॉगिंग करते हो तो आपको ऑब्वियसली खुद को तो डालना ही पड़ेगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट का रिव्यू बना रहे हो तो एक अच्छा रहता है कि आप खुद को बनाओ और साथ में वो प्रोडक्ट भी साइड में आप उसको क्रॉप करके लगा दो, या फिर उस पर कुछ ऐसा टाइटल लिखिए आप इस पर कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, कुछ अट्रैक्टिव सा टाइटल उसको, मे बी वो ऐसा क्लिकबेट भी नहीं रहना चाहिए कि वो आप दिखा रहे कुछ और हो और एक्चुअली प्रोडक्ट कुछ और है। सो स्टार्टिंग के टाइम में क्लिकबेट वगैरह ये सबसे थोड़ा सा बचिए। अब आते हैं सबसे लास्ट बात पे, आप जो चीज़ का वीडियो बना रहे हो, सपोज़ करो आप टेक रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो, आप क्या करते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमारे पर हम प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, हम प्रोडक्ट नहीं लेते तो हम अनबॉक्सिंग या इवन टेक से रिलेटेड वीडियो किस बारे में बनाएं, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो यार फंडा ये है कि अगर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली न्यूज़ वगैरह से थोड़ा सा कनेक्टेड रहना पड़ेगा, आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, इवन न्यूज़पेपर्स की भी नीड नहीं है आजकल, इतने सारे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह इवन दूसरे भी बहुत से ऐप्स आते हैं न्यूज़ के, उसमें गैजेट का सेक्शन या टेक्नोलॉजी का सेक्शन होता है, तो उसमें कोई टॉपिक आप देखिए आज जो नया अभी जो रिसेंट में चल रहा है वगैरह, आप वो टॉपिक पढ़िए और उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। इवन तो आपको कुछ नॉलेज सपोज करो अगर ना भी हो तो आप गूगल पे उसका रिसर्च कर सकते हो, पूरा वीडियो आप उसका ऑलरेडी
आप उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा पढ़ सकते हो, पूरा अच्छे से आप स्टोरी पढ़ सकते हो उसकी पूरी। तो स्टोरी पढ़ने के बाद आप उसका एक वीडियो बनाओ, लोगों को एक्सप्लेन करो कि उसमें आपने क्या क्या पढ़ाया, और उसको आपके व्यू से बताओ कि आप कैसा आपको प्रोडक्ट लगता है। इवन दो अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं भी रहे तो आप उसको सिंपली अपने वर्डिंग के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट में आपको ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो ये मैंने आपको कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा ऐसा पॉइंट बताया, मे बी बहुत सारे लोग ये चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो बिल्कुल आप अपने वीडियोस में इसको इंप्लीमेंट कीजिए, आपको इफेक्ट या फिर सब्सक्राइबर्स में एक इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल AK Lifestyle Videos।